शिशु शिक्षा समिति असम के द्वारा नव बहु बहुआयामी प्रकल्प अमृत भवन के लोकार्पण के शुभ अवसर पर मंच पर विराजमान माननीय सुरेश जी सोनी इस क्षेत्र के विद्या भारती के अध्यक्ष डॉक्टर गंगा प्रसाद जी प्रसेन, शिशु शिक्षा समिति असम के अध्यक्ष डॉक्टर दिव्य ज्योति महंत जी इस प्रकल्प के अध्यक्ष सांचीराम जी पायेंग इस सभागार में अनेक ज्येष्ठ श्रेष्ठ बंधु भगिनी उपस्थित हैं कुलपति हैं संघ के वरिष्ठ अधिकारी हैं विद्या भारती के अध्यक्ष अधिकारी उपस्थित हैं और शिक्षा क्षेत्र में अनुराग रखने वाले अनेक बंधु भगने उपस्थित हैं सभी को नमस्कार राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित होने के बाद बड़ी चर्चा हुई यह शिक्षा नीति पहली बार ऐसी शिक्षा नीति बनी जिसमें ऊपर से नीचे तक नीचे से ऊपर तक सभी लोगों की सहभागिता रही सभी लोगों ने अपने सुझाव दिए और उसके बाद इस शिक्षा नीति घोषित हुई इस शिक्षा नीति में जिन बातों का आग्रह किया गया है विद्याभारती उन विषयों के बारे में पहले से ही आग्रह करती रहती थी चाहे उस शिक्षा नीति में शारीरिक शिक्षा योग शिक्षा संगीत संस्कृत आदि को महत्व देने की बात हो चाहे वो शिक्षा भारत केंद्रित होनी चाहिए इसकी बात हो चाहे शिक्षा के साथ कौशल विकास होना चाहिए इसकी बात हो इन सभी बातों का आग्रह फिर शिक्षक के विकास की बात हो शिक्षक का प्रशिक्षण होता रहे अनवरत प्रशिक्षण होता रहे इसकी बात हो विद्याभारती प्रारंभ से ही इस विषय का आग्रह करती रहती थी शिक्षकों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि शिक्षकों को उनमें अपनी योग्यता होनी चाहिए विषय पढ़ाने के लिए उनमें कुशलता होनी चाहिए कार्य क्षमता होनी चाहिए योग्यता होनी चाहिए पर इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण होता है शिक्षण के प्रति कमिटमेंट होना चाहिए शिक्षण के प्रति डेडिकेशन होना चाहिए क्योंकि जब नहीं होता ये तो हमको ध्यान में आता है बहुत सारे शिक्षक होते हैं योग्यता भी बहुत होती है कुशलता भी होती है परंतु डेडिकेशन नहीं होता समर्पण नहीं होता और सारी समस्या आती है एक मजेदार कविता मैंने पढ़ी थी सुनी थी कि एक अधिकारी विद्यालय में आए तो उन्होंने देखा कि शिक्षक पढ़ा रहे हैं कि वो पतित पावन गंगा जिसने लाखों को कर दिया चंगा वो विंध्याचल पहाड़ से निकलती है मध्य प्रदेश से राजस्थान होकर गुजरात में जाती है और वहां से महाराष्ट्र में होकर अरब सागर में जाकर मिल जाती है वो अधिकारी ने पूछा कि वो शिक्षक महाशय आप गलत पढ़ा रहे हैं गंगा का उद्गम विंध्याचल बता रहे हैं। गंगा का उद्गम तो हिमालय है हिमाचल हिमालय पर्वत है तो कहा आपके लिए होगा पांच सौ रुपये में तो गंगा उस समय की बात है पुरानी पांच सौ रुपये तो गंगा विंध्याचल से निकलेगी दो हजार दिलवाओ गंगा हिमालय से निकलवाओ तब यह व्यंग्य में ही कविता होगी परंतु जब तक डेडिकेशन नहीं है विद्यार्थियों के प्रति समर्पण नहीं है तब तक कितनी भी योग्यता हो उसका कोई उपयोग नहीं है और इसलिए ये शिक्षा के दृष्टि से शिक्षण के योग्यता के दृष्टि से ये बात महत्वपूर्ण है और इसलिए विद्या भारती शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विद्या भारती शिक्षकों के भाव जागरण पर अत्यधिक आग्रह करती है अपने आगे महान वैज्ञानिक हुए पद्म विभूषण माशिलकर जी तो उन्होंने कहा कि भाई शिक्षण कैसा होना चाहिए तो उन्होंने कहा चिल्ड्रन बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए शिक्षा शिक्षण जो है वो बाल केंद्रित शिशु केंद्रित होना चाहिए शिक्षक केंद्रित ही होना चाहिए और उसके लिए क्रिया आधारित शिक्षण होना चाहिए दूसरे उन्होंने कहा कि परिवार जो है ये कैसा होना चाहिए तो परिवार स्त्री केंद्रित होना चाहिए महिला परिवार की धूरी है माशेलकर जी खुद अत्यंत गरीब परिवार से पढ़े उनकी माता जी तीसरी पास भी नहीं थी इसलिए उनको एक जगह बार कार्य एक कांग्रेस का कार्यालय था उसमें काम मांगने गई तो उनको काम नहीं मिला गोवा के रहने वाले थे तो उस दिन उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं अपने बच्चे को बहुत पढ़ाऊंगी हायर सेकेंडरी मेरिट में आए घर की स्थिति ठीक नहीं तो माशेलकर जी ने कहा मैं नौकरी वोकरी कर लेता हूँ माँ ने कहा नहीं तुम पढ़ो तो ऐसी स्थिति में उनको पढ़ाया तो माशिलकर जी कहते हैं कि परिवार स्त्री केंद्रित होना चाहिए और समाज नॉलेज बेस्ड होना चाहिए समाज में ज्ञान आधारित होना चाहिए वो ज्ञान आधारित समाज नहीं है तो समाज पिछड़ जाएगा और चौथा हमने कहा विकास मानव केंद्रित होना चाहिए मानव केंद्रित नहीं होगा मशीन केंद्रित होगा या कुछ लोगों के लिए होगा सर्वजन हिताय नहीं होगा तो विनाश होगा आज हमको ध्यान में आता है कि जो सारी शिक्षा प्राप्त लोग हैं समस्या अशिक्षित लोगों के कारण निशिक्षित लोगों के कारण ज़्यादा समस्या है क्योंकि वो शिक्षा का उपयोग समाज हित के करने के बजाय अपने हित में करते हैं और इसलिए यह सारा परिदृश्य यदि बदलना है तो सारा चिंतन भारत केंद्रित होना चाहिए दुनिया को जो भारत की ज्ञान परंपरा है उस ज्ञान परंपरा के प्रकाश में यदि विश्व शिक्षा ग्रहण करता है तो विश्व में शांति होगी विश्व में कल्याण होगा क्योंकि भारत ही कहा कहता है कि विश्व का कल्याण हो प्राणियों में सद्भावना हो केवल मनुष्य की के सद्भावना नहीं केवल मनुष्य का विकास नहीं तो ये जो सर्वे भवंतु सुखिना की धारणा है ये भारत की धारणा है और इसलिए शिक्षा नीति भारत के, के शिक्षा की बात की गई है विद्याभारती ने ये शिक्षा नीति को स्वागत करते हुए शिक्षा नीति का और इसके क्रियान्वयन के लिए लगातार प्रयास किए हैं उसके लिए सरकार के साथ संपर्क किया है केंद्र स्तर पर राज्य स्तर पर आगे जो करिकुलम बनना है उसके लिए सहयोग दे रहे हैं और साथ साथ अपने शिक्षकों को उस दृष्टि से विकसित करना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जो जो नई बातें आई हैं जो नई चीज़ें जुड़ रही हैं उसके लिए अपने शिक्षकों का प्रशिक्षण करना इसलिए विभिन्न प्रांतों में जो हमारे प्रशिक्षण केंद्र थे या नहीं थे नहीं थे वहाँ बनाना जहाँ थे वह उनको और अपडेट करना इसका प्रयास चल रहा है अभी तक यहाँ प्रशिक्षण होते थे पर वो अपने अवकाश के समय में विद्यालय में, में होते थे अब एक पूर्ण समय का प्रशिक्षण केंद्र होना चाहिए और अन्य आयाम भी उसमें जुड़ना चाहिए इसलिए भवन यहाँ विकसित किया गया है यहाँ के कार्यकर्ताओं के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ साधुवाद देता हूँ आप सबने मेरे को सुना इसलिए आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को राम देता हूँ मान्य सुरेश जी हमारे बीच में उपस्थित है उनसे मेरे को सदैव प्रेरणा मिलती रहती है उनका हम मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे प्रेरणा प्राप्त करेंगे इतना ही कहते हैं मैं वाणी को विराम देता हूँ नमस्कार